ये देखिए मेरे पतोड़ बन गए हैं, ये मेरे विदाउट फ्राइड हैं और ये फ्राइड हैं, तिल जीरा और राई के साथ, तड़के के साथ फ्राई कर दिया और ग्रीन चटनी के साथ, तो बन गए हैं। इसका प्रोसेस क्या है, आप इसका प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो में देखिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स, ये पत्ते मेरे किचन गार्डन के ही हैं। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाने में। ये अरबी के पत्ते ले लिए मैंने, कम से कम 20 पत्ते होंगे, और इसको धो लिया है अच्छी तरह। तो इसका एक रोल बनाएंगे, इसको पतोड़ बोलते हैं। ये स्नैक्स है, स्टीम फूड है, हेल्दी है, नानी दादी के ज़माने से चला आ रहा है और हम लोगों को पसंद है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैं जैसे बनाती हूं वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो इसी से बनेगा। और दाल लिए मैंने, और इसके लिए मैंने ये उड़द की आधी कटोरी दाल और चने की एक कटोरी दाल, जस्ट डबल चने की दाल उसको ले लिया है। उसको पीसेंगे, मिक्सी का जार लिया है, उसमें पीसना है। हरी धनिया लिया है, हरी मिर्च है दो, अदरक है, ये लहसुन है। इन सब चीज़ को डाल के दाल को अच्छी तरह से बना के फाइन पेस्ट बनाएंगे, और उसी को लगा के इसके रोल्स बनेंगे पत्ते के। ये देखिए मेरा दाल पूरी अच्छी तरह से फाइन पेस्ट हो गई, और गाढ़ा रहेगा, थिकनेस रहेगी इसमें, मैं थिकनेस दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम अच्छी सी, क्योंकि ना पतला बनाने से उस पर चिपकेगी नहीं और पत्ते पे, और वो रोल अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पिसी धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, और हींग और जीरा। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया, इसमें नमक जीरा धनिया गरम मसाला और हींग डाल दिया। अब इसको खूब अच्छी तरह से हम हाथ से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसके ऊपर ऐसे ऐसे पोत देंगे, पूरा इसके ऊपर पेस्ट लेप कर देंगे इसके ऊपर। और जैसे ना बनने के बाद, ये स्टीम फूड है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर आपके पास चने की दाल नहीं, आप बेसन को भी थिक, खूब थिक पेस्ट बनाइए और सारी चीज़ें डाल के, और उस पर बना सकती हैं। देखिए ऐसे ऐसे पूरा हम लगा देंगे, और फिर उसके बाद दूसरे पत्ते। तो जो दूसरे छोटे, एक बड़ा पत्ता लिया एक छोटा, तो जैसे ये पॉइंटेड जगह है तो इधर रखा है, तो उधर से हम पॉइंटेड जगह को ऐसे इसके साथ चिपका देंगे, जिससे हमें रोल बनाने में सुविधा हो। फिर इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे ऐसे, पूरे इसी तरह एक के ऊपर एक चिपकाते जाएंगे। उसके बाद इसको टाइट रोल बनाएंगे, ऐसे करके एकदम, ऐसे ऐसे करके एकदम टाइट बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 10 पत्ते एक साथ एक के ऊपर एक, इसको ये पेस्ट लगा लगा के चिपकाते गए हैं, उसको रोल करके मैंने एक रोल बना लिया है। अब दूसरे 10 पत्ते बचे हैं, इनको भी इसी तरह रोल बना, उसके बाद स्टीम करने। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें पानी डाला, उबलने लगेगा, इसके ऊपर जाली रखेंगे और उसके ऊपर स्टीम करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों रोल, मैंने 10-10 पत्ते को एक में चिपका के उन पेस्ट लगा के रोल बना दिया है। अब इसको हम स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी रखा है और ऊपर से जाली उसके ऊपर रख दिया, और ऊपर से इसको ढक देंगे ढक्कन से, और कम से कम 10 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे। बस हाई फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम रहेगी, और जब स्टीम हो जाएगा उसको बंद करके ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा रोल, फिर उसकी कटिंग करके और उसको सर्व करेंगे चटनी के साथ। बहुत ही लाजवाब, आपका मन हो उसको फ्राई कर भी सकते हैं, शैलो फ्राई तवे पे करके आप उस तरह भी खा सकते हैं, आप बिना फ्राई किए है स्टीम फूड की तरह भी खा सकते हैं, दोनों ही तरह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। तो अब इसको मैं ढकने जा रही हूँ, ऐसे ढक देंगे बस। ये देखिए पतोड़, इसको पतोड़ बोलते हैं, पात्रा भी बोलते हैं। ये मेरा स्टीम होते होते करीब करीब 10 मिनट हो गया, तो मैंने ढक्कन खोल के देखा है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, जो ग्रीन उसकी ग्रीनीनेस होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ब्राउनिश में आ जाती है, तो उसका मतलब है ये पक गया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कसर है, इधर कच्चापन है, तो 2 मिनट और इसको स्टीम करूँगी, इसी तरह ढक दूँगी, और उसके बाद इसको गैस बंद करके छोड़ दूँगी, और उसके 10-15 मिनट के बाद वो ठंडा जब हो जाएगा तब पीसेस काटूँगी। ये देखिए अब मेरा परफेक्टली स्टीम हो गया, अब इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और कम से कम 15 मिनट लगेंगे, एकदम कूल डाउन हो जाएगा जब, और मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब
इसको ठंडा करेंगे और पीसेस काटेंगे और चटनी के साथ सर्व करेंगे। हम ऐसे ही कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई दोनों तरफ से करके पीसेस को आप एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, उसमें तेल राई तेल डालिए, उसमें राई और जीरा डाल के तड़का बनाइए और उसके साथ उसी पे स्लो फ्लेम पे आप कर सकती हैं। वो भी मैं दो चार आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी। देखिए मेरे रोल्स बिल्कुल ठंडे हो गए, हार्ड हो गए हैं, एकदम टाइट हो गए हैं। अब इसको हम ऐसे पिज़्ज़ा कटर से बीच से काट देंगे। ये देखिए पीसेस हो गए, अब छोटे छोटे हम पीसेस काटेंगे। ये देखिए इससे इस तरह से छोटे छोटे कर लेंगे और सारे पीसेस निकाल लेंगे। और मैंने ये तड़का बनाने के लिए थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें तिल है, राई है, जीरा। तो मैं थोड़ा सा आपको शैलो फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि उस तरह पे आप यूज़ कर सकते हैं और बिना इसको शैलो फ्राई किए ऐसे भी आप चटनी के साथ खा सकते हैं। वो हेल्दी फूड है, उसमें ऑयल का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। इसको हम फ्राई कर रहे हैं, तो इसी तरह पीसेस काटें एकदम और इसको पलट दें दोनों तरफ से अच्छी तरह से। ये देखिए इसमें तिल भी चिपक जाएगा अच्छी तरह से, तिल हेल्दी होता है, टेस्ट में भी अच्छा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं और बिना उसको फ्राई किए भी आप यूज़ कर सकते हैं। टू मेथड्स आई हैव एक्सप्लेन यू, दोनों ही तरह से आप खा सकते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी। और इसको अब हम सर्व करेंगे। पतोड़ पात्रा जो भी कहते हैं अरबी के पत्ते का स्नैक्स बनके तैयार है, चटनी के साथ सर्व किया। आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।